बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। दुनिया की सबसे लंबी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया अब समापन की ओर है। 7 चरणों में हुए देश के लोकसभा चुनावों का परिणाम आने में बस एक रात बाकी है। महीनों चल रहे दावों प्रतिदावों की हकीकत सबके सामने होगी। अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरा सत्तारूढ़ एनडीए इस नारे की हकीकत में बदलने का अभी भी दावा कर रहा है, तो एनडीए के खिलाफ बना नया विपक्षी गठबंधन इंडिया इसे सिर्फ चुनावी जुमला बताते हुए एनडीए की सत्ता से बेदखली का दावा कर रहा है। तमाम एग्जिट पोल एनडीए की सत्ता में वापसी का भले ही दावा कर रहे हैं, लेकिन यह एक अनुमान है, नतीजे नहीं। नतीजों से पहले यह रात सभी दलों के लिए भारी है। इसी पर देखिए आज की हमारी बिग डिबेट, चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम मंगलवार 4 जून को घोषित किए जाएंगे। हालांकि फाइनल नतीजों से पहले एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोकसभा में भारी बहुमत के साथ सत्ता में बना रहे। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का कठिन लक्ष्य सामने रखा था। हालांकि 3 एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 सीट मिलने का दावा किया गया है। एमपी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के फाइनल अनुमान का आंकड़े का भी दावा किया। इसमें एमपी कांग्रेस ने कहा कि एनडीए गठबंधन को देश भर में 332 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं बीजेपी गठबंधन को मात्र 196 सीटें मिल रही हैं, वहीं अन्य को 21 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को करीब 10-12 सीटें मिल रही हैं। साथ ही एमपी कांग्रेस का दावा है कि 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है। एग्जिट पोल जो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, उसका कारण ही ये है कि पूरे जिला प्रशासन पर पूरे देश में एक मनोवैज्ञानिक दबाव निर्मित कर दिया जाए और उसके बाद जब काउंटिंग हो तो डाक मतपत्रों की जब गिनती हो तो इन्होंने अपने पूरे प्रमुख नेताओं को जिलों में काउंटिंग के बाहर तैनात करके रखा है। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाल सकते हैं उनको बाहर रख के छोड़ा है, ताकि डाक मतपत्र अगर कोई थोड़ा बहुत क्लोज इलेक्शन हो तो डाक मतपत्रों में उसका मैनिपुलेशन हो सके। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए उम्मीदें और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दी। एग्जिट पोल में सामने आया कि कांग्रेस को 0-1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी के पास 28 से लेकर सभी 29 सीटें जा सकती हैं। अब इस पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी को देश भर में 400 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता उत्साहित है जश्न मनाने के लिए। ये जो प्रचंड विजय है इसका जश्न भी प्रचंड होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे, नेतृत्व के साथ इस जश्न को मनाएंगे और विकसित भारत का संकल्प ये जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लेकर चली थी आज उसको प्रमाणित होते हुए देख के सभी कार्यकर्ता। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस एग्जिट पोल को लेकर आमने सामने। आज की रात प्रत्याशियों के लिए कटना कठिन हो जाएगा। प्रत्याशियों के लिए यह रात कत्ल की रात जैसी है। यही रात काफी भारी नजर आएगी। देखने वाली बात यह होगी कल की सुबह किस दल के लिए मंगल लेकर आती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। ज्यादा चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन और कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मंजरी जी, लगातार एग्जिट पोल के बाद तो जश्न का माहौल भी शुरू हो गया बीजेपी में। ये बताएं कि आज की रात किस तरह की तैयारी, जो कल सुबह से परिणाम आने हैं, किस तरह की तैयारी शुरू है अब? बस जश्न मनाने की तैयारी है, सभी तैयारी पूरी हो चुकी है जी। लेकिन अभी हर कार्यकर्ता, ये अनुमान है, नतीजे नहीं है जी। एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल के रूप में ही बदलेगा। और देखिए, एग्जिट पोल तो आए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एक हमारी पार्टी का भी खुद का एक एनालिसिस होता है। कार्यकर्ता जो होते हैं, पन्ना पेज पन्ना प्रमुख वगैरह होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा भी जो फीडबैक आता है उसके आधार पर भी
हमें ये पता तो चल जाता है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं, कहाँ कहाँ हम कौन कौन सी लोकसभा सीट जीत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो एग्जिट पोल आया है वो हमारी पार्टी का जो सर्वे है उसके हिसाब से भी बिल्कुल सटीक आया है और हमें ये पूरा विश्वास है कि हम 400 पार जा रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य जनता ने हमको दिया था, हम उस लक्ष्य के पार जरूर निकलेंगे। जी ठीक है, आपका जो लक्ष्य है लगातार आपके बड़े नेताओं को भी सुना और जिस तरह से एग्जिट पोल में भी बताया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ प्रदीप जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले सवाल यह है कि किस तरह की तैयारी आज की, क्योंकि रात ऐसी है कि जो अभी तो सब अनुमान है, कल से दावे शुरू, 8 बजे से जो है दावे शुरू हो जाएंगे कि भाई क्या क्या नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको क्या तैयारी क्या है आपकी वहां पर? देखिए अमित जी, हमारा पूरा प्रदेश में और पूरे देश में जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो बन चुके हैं और पूरी तैयारी पूरी मुस्तैदी के साथ आदरणीय जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने पूरे प्रदेश की 28 लोकसभा पे 29 लोकसभा क्षेत्र पर रखी हुई है। और जहां तक आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, और जो बताया जा रहा है वो एक्सेस पोल है। आज पूरे देश में जिस तरीके की नरेंद्र मोदी जी के विरोध में हवा थी, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, सीमा सुरक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर भ्रष्टाचार का मामला हो, हर मुद्दे पर जो मोदी जी का जो पहले ओरा बना हुआ था वो पूरे देश की जनता उससे नाखुश थी और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरे देश में माहौल था। और जहां तक एग्जिट पोल में जो मामला जो रुझान आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुशी मना रही है, 2004 में भी जब अटल जी की सरकार थी उस समय भी इंडिया शाइनिंग का नारा चला था और पूरे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो 15 घंटे की बात है, पूरे देश और पूरा दुनिया ये देख लेगी कि किसकी सरकार इस देश में बनने वाली है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने और देश के हमारे सभी नेताओं ने, प्रियंका जी ने बड़ी मेहनत की है और पूरा देश का माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, इंडिया गठबंधन के पक्ष में था। चलिए अब तो बिल्कुल, लेकिन एक बात आपको बताएं प्रदीप जी कि अभी मामला जो है मुद्दों से बहुत आगे आ गया है, जनता ने वोट कर दिया है, लेकिन अब ये है कि कितने वोट मिलते हैं। मध्यप्रदेश की बात कर रहे थे तो 28 से 29 सीटें, क्या मंजरी जी आपका, चूंकि बताया कि आपने पन्ना प्रमुखों सबसे पूरी बातचीत की हुई है, मध्यप्रदेश का आकलन क्या कहता आपका? बिल्कुल 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं और हमारा लक्ष्य हमने पहले से ही निर्धारित करके रखा था। देखिए हम हर बार यही कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर इस बार 29 कमलों की माला जो है माननीय मोदी जी के गले में मध्य प्रदेश की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर पहनाएंगे कल, और बड़ा ही जश्न का माहौल है। सभी लोग आत्मविश्वास में है, खुशी से, उत्साह से भरे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये एक लोकतंत्र का महापर्व है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काम किया, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, गरीबों के लिए, जिस तरह से हमने अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया, उससे आज जनता खुश है। हमने अगर गरीब कल्याण के कार्य नहीं किए होते तो आज जो गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर उठकर आए हैं तो वो सामने नहीं दिखता, चाहे पीएम आवास हो, चाहे शौचालय हो, कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं थी इस देश में एक आम नागरिक के लिए जो 60 साल रहते हुए कांग्रेस नहीं कर पाई थी जी। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किए, चाहे वो पीएम आवास की बात करें, एक शौचालय जैसी बहुत बुनियादी जरूरत थी हर महिला के सम्मान के लिए, हर आम व्यक्ति के सम्मान के लिए, 60 साल में कांग्रेस वो भी नहीं दे पाई थी। लेकिन आज हर गरीब का सपना जो पूरा हुआ है, चाहे वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह वो अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए सरकार ने प्रयास किए और उसमें कुछ हद तक हम सफल भी हुए। उस घर के अंदर नल से जल, स्वच्छ जल पहुंचे, साफ सुथरे हो। जी जी मंजरी जी, आपने लगातार योजनाएं लगातार बता रही हैं किस तरह से पिछले 10 सालों में काम हुआ। लेकिन हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लगातार लंबे समय से खास तौर से मध्य प्रदेश के परिदृश्य को देखते हुए आ रहे हैं। गौरव जी, एक सवाल, चूंकि एक तरफ एग्जिट पोल की बात कर, एग्जिट पोल जो है उनका एग्जैक्ट है एकदम, और जो एग्जिट पोल है और वो कह रहा है एक्सेस पोल है, लेकिन एक बात कहें कि इस समय जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो क्यों मान रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है जो एग्जैक्ट पोल हो सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें भी हैं, आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, एक अनुमान और आकलन के आधार पर है कि मैं लगातार फील्ड में अभी भी काम कर रहा हूँ, आम जनता, आम मतदाता से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अपना रुझान अभी भी बताने की स्थिति में नहीं है।
या बताना नहीं चाहता, छुपाना चाहता। और ये पिछले कई चुनावों से हम लगातार देख रहे हैं कि आम मतदाता अपनी बात को मुखर होकर मीडिया के सामने नहीं रखता है। अब जो सर्वे एजेंसी ने सर्वे किए हैं या एग्जिट पोल जो निकाला है उसके आधार पर निकाला है, उनके क्या मापदंड मानदंड होंगे ये वो जाने। लेकिन एक मोटा मोटा जो पिक्चर सामने नजर आता है उसके हिसाब से कह सकते हैं अब ये कितने सही होंगे कितने सटीक होंगे, क्योंकि कितने लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया है, कितने लोगों से पूछताछ की गई है, ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब कोई बात सामने आती है तो एक आधार बनती है, उस आधार पर हमें विचार करना पड़ता है। मैं इसे पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं कर रहा और पूर्ण रूप से इसको खारिज भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभिजीत जी, जी, मैं एक बात जानता हूं कि नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज करेक्ट ऑल टाइम। हो सकता है कि सर्वे एजेंसियों के कुछ उन्होंने हमसे हटकर किसी मुद्दे पर बात की हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे छोड़ दिए हो जो आम जनता के लिए जरूरी हो। तो जो रुझान है हम उसे रुझान के तौर पर लेंगे और कल परिणाम आना है, दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है बिल्कुल ठीक है कि आपने भी लगातार दौरे किए हैं और जो रुझान है रुझान परिणाम में आना बाकी है। मंजरी जी, एक सवाल यह है कि कांग्रेस का अब भी ये इसे आरोप कहेंगे कि लगातार ईवीएम, यदि मान लीजिए ईवीएम से कुछ नहीं, उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई तो सरकार तो इंडी गठबंधन की बन रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने ये बयान दिया, मैंने पढ़ा उसको, और कांग्रेस पूरी कांग्रेस अब पहले से ये सब, दिग्विजय सिंह जी तो हार रहे हैं वो ये जान चुके हैं और पूरी कांग्रेस ये जानती है, पूरा ये जो विपक्ष जो है जितने भी गठबंधन है इनके घटक दल है जो इंडी गठबंधन के, तो ये सब जान चुके हैं कि ये सत्ता में नहीं आ रहा है, बुरी तरह इनको जनता ने घर बैठाने का काम कर दिया है। तो अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं, कभी ईवीएम के ऊपर, कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी मतदान प्रक्रिया के ऊपर, कभी कुछ ना कुछ इनको एक बहाना मिल जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ये बहाना अब ये हार का ठीकरा कहाँ फोड़ेंगे, ये तो चलिए अभी अभी मंजरी जी कुछ घंटों का और सब्र कर लेते हैं, कुछ घंटों का सब्र और कर लेते हैं, उसके बाद जो है अनुमान नतीजों में जो जब परिवर्तित होंगे। लेकिन लेकिन महत्वपूर्ण बात जी जी, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि 31 करोड़ महिलाओं ने वोट किया है इस बार। मैं समझती पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इतिहास होगा कि सबसे अभी तक के इतिहास में 31 करोड़ महिलाओं ने जो मतदान किया ये बहुत बड़े प्रतिशत में हुआ है। और ये दर्शाता है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाएं चलाई उनके सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उससे बढ़कर जब नारी शक्ति वंदन बिल आया तो सरकार में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित कर दी नीति निर्धारण में। और इसके अलावा देखिए, किसी भी समुदाय की महिला हो, किसी भी जात पात का भेदभाव किए बिना सरकार ने काम किया, जैसे तीन तलाक, जैसे जो तीन तलाक कानून आया उससे मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मैं समझती हूँ जो मोदी जी ने काम किए महिला सशक्तिकरण के लिए उसका ये परिणाम था कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस मतदान में। चलिए, तो 31 करोड़, आपने कहा 31 करोड़ महिलाओं ने यदि वोट किया है, कांग्रेस की भी एक बड़ी योजना उन लोगों ने जो अपने वचन पत्र न्याय पत्र में कही थी, असर देखना है कि उन महिलाओं ने किसको वोट किया है, बस कुछ समय और बाकी है। प्रदीप जी, विधानसभा चुनाव में भी ये नारी बंधन बिल लेकर, नारी बंधन, नारी शक्ति वो लेकर आए थे जी, सम्मान निधि, तो इसका जनता ने भरोसा नहीं किया, महिलाओं ने भरोसा नहीं किया। चलिए थोड़ा सा आकलन आकलन प्रदीप जी की ओर से ले लेते हैं, क्योंकि लगातार उनके बड़े नेता भी बड़े कई क्षेत्रों पे बिल्कुल आज की रात वहां पहुंच गए हैं और कहां किस तरह से कौन से बड़े नेता हैं और क्या उम्मीद, खासतौर से यदि मध्यप्रदेश की बात की जाए, कितनी उम्मीद है आप लोगों को या अनुमान है, ये कहें आज भी अनुमान की बात करेंगे, क्या अनुमान है आपका कि कल आप जो टली जो तालिका है उसमें देखने को कांग्रेस की सीटें दिखाई देंगी? देखिए, मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 10 से ऊपर सीटें जीतेगी। और मंजरी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कल का और इंतजार करिए, जो खुशी आपके लिए आप सोच रहे हैं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस खुशी को मनाने जाएगी। और पूरे देश में और प्रदेश में जो मैं 10 सीटें गिना सकता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी जीत रही है, आप सीधी आप रीवा लीजिए, मुरैना, भिंड, आपकी छिंदवाड़ा, धार, मंडला, राजगढ़ और ये झाबुआ, ये सीटें कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी
ईमानदारी से, बड़ी ताकत से और बड़ी उत्साह से हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। हमारे नेता पूरी मुस्तैदी से इन सीटों पर लड़े और उम्मीद है कि हम लोग अच्छे मार्जिन से यहाँ पर। चलिए, एक बहुत बात जो गौरव जी ने कही थी, लेकिन इनडायरेक्टली मान तो लिया कि सरकार आपकी नहीं बन रही है। सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी मंजरी जी, जरूर आप। चलिए, इसके लिए भी इंतजार कर लेते प्रदीप जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है गौरव जी से कि लगातार आपने देखा इस बार बीच में ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल भी कई बार गड़बड़ हुए, लेकिन इस बार जो है लगभग देखा जाए जो एग्जिट पोल है उसके बाद लगातार उन आंकड़ों का आना, और उसको एक जो बहुत बड़ी बात में इसका जवाब भी कि भाई बीजेपी दफ्तर में लगातार जश्न की तैयारी शुरू हो जाना, इसको किस नजर से आप देखते हैं? एक माहौल बनाने की बात है अभी की, अगर हम शुरू से, क्योंकि युद्ध हो या खेल का मैदान, अगर ऊंचा मनोबल होता है तो जीत सुनिश्चित होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की 400 पार की, जिस 400 पार को लगातार एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, जिसके बाद कल जो एग्जिट पोल आए वो कमोबेश उसी से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। तो एक जो माहौल पूरे देश में बन गया, उस माहौल के कारण भी हम ये कह सकते हैं कि संभवतः जो एग्जिट पोल है वो उससे प्रभावित हो रहे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आम मतदाता वो चाहे भले भाजपा को वोट दे या ना दे, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं तो वो 400 पार की बात करता है, 350 पार की बात करता है, 300 पार की बात करता है। आप सारे सर्वे एजेंसीज के एग्जिट पोल उठाकर देख रहे हैं तो लगभग वो 300 से ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो पूरा देश में वातावरण बना हुआ है, ये उस वातावरण का कमाल है कि एग्जिट पोल भी नियर अबाउट वहां हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन के पूर्ण रूप से उतने सही साबित होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मतदाता के मन की जो धार है वो मतदाता की मन की धार सर्वे एजेंसी पूरी तरीके से नहीं निकाल सकती है, पत्रकार पूरे तरीके से नहीं निकाल सकते, राजनीतिक दल पूरे तरीके से नहीं निकाल सकते। होता क्या है कि कई बार जैसे जिस बूथ पर उनको जो वोट मिलते आए वो उस बूथ पर पड़े हुए वोट के आधार पर एक आकलन लेकर चलते कि पिछले चुनाव में हमें ये वोट मिला था तो इस बार भी हमें ये वोट मिल सकता, तो राजनीतिक दल इस तरीके से अपनी एनालिसिस करते और अपनी जीत को एक आधार बना के प्रकट करते हैं कि हम लगभग कितनी सीटों पर जीतेंगे। तो जो पिछले 2019 के चुनाव परिणाम है, मध्य प्रदेश विधानसभा के जो परिणाम रहे हैं उसका आकलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि हम 29 में से 29 जीतेंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो ग्राउंड रियलिटीज अब की बार बहुत सारी जगह पर चेंज नजर आई। आम मतदाता निरुत्साहित था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आम मतदाता ने वोट नहीं किया होगा, लेकिन आम मतदाता का जो प्रतिशत गिरा है, और दूसरा वो जो प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी रही उसकी भाजपा, उनमें सबसे ज्यादा नाराजगी भाजपा प्रत्याशियों की थी क्योंकि वो उनकी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं हुए। परिणाम जो भी बिल्कुल गौरव जी, लेकिन एक आकलन का आधार हमारा भी था और एक आकलन का आधार सर्वे एजेंसी का भी, हो सकता है दोनों में कहीं कोई चूक रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा है कि किस तरह से पत्रकार एनालाइज करता है चीजों को लेकर और उन जनता के पास भी जाता है, शायद जो आंकड़ा आएगा कल चूंकि जो एग्जिट पोल आया है उसका क्या नतीजे में तब्दील हुआ कल मालूम पड़ा। मंजरी, एक जो गौरव जी भी कह रहे थे वो कांग्रेस का भी इस तरह से आरोप है कि मनोबल बनाने वाली बात जो कहीं नजर आती है और जितने सीट बोली है उतनी एग्जिट पोल में आना, क्या इस तरह के मनोबल बनाने की बात है कुछ? देखिए अमित जी, मनोबल बनाने वाली बात होती तो चुनाव के पहले होती, अब तो चुनाव हो गया, मनोबल बनाने से कुछ चुनाव में तो कोई फायदा होने वाला नहीं है जी। जो काम होना था वो हो चुका, हम अपने काम पर भरोसा कर रहे हैं, जो हमारी सरकार ने काम किया है हम उस पर भरोसा कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता ने जिस तरीके से मेहनत और लगन के साथ बूथ पर काम किया है, जनता के बीच में जाके काम किया, हमारे नेताओं ने काम किया, उस पर भरोसा करते हैं, जो हमारा फीडबैक कार्यकर्ताओं ने दिया है हम उस पर भरोसा करते हैं। तो जो एग्जिट पोल आया वो अपनी जगह है, पर हमारे पास तो हर बूथ की और हर उस बूथ पर जो मतदाता है, हर मतदाता के हर परिवार की हमारे पास जानकारी है कि कौन सा वोट कहाँ गया, क्योंकि हमने बहुत माइक्रो लेवल पे काम किया है। तो निश्चित तौर पर देखिए, इसीलिए आज हम जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का फीडबैक है उसके आधार पर हम कॉन्फिडेंस में है। एग्जिट पोल आया हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एग्जिट पोल के भरोसे हैं या एग्जिट पोल आ गया हम इसलिए खुश है हमारे फेवर में आ गया एग्जिट पोल, ऐसा नहीं है। जो हमने काम किया है, जो हमारा खुद का फीडबैक है उस पर भरोसा कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर जो हमारा हमारा फीडबैक है और जो एग्जिट पोल वो मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित है। और प्रेजेंट इसका एक मनोबल को लेकर एक सवाल, प्रदीप जी, जिस तरह से मनोबल की बात हो रही है, कांग्रेस का कहना है, लेकिन एक प्रकार से जैसे बीजेपी में जश्न की तैयारी है, आपके अपने दावे हैं, तो आपके यहाँ वो एक्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा अभी? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी जश्न की तैयारी में, मैं आपको बता दूं, और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से माहौल बनाया गया, 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया और पूरे अखबार पूरे चैनल एक नारे को लेकर एक नैरेटिव को लेकर चलाने लगे कि 400 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी आएगी। जब भारतीय जनता पार्टी 431 सीटें लड़ रही है तो 400 सीटें पाने का तो कोई सवाल उठता नहीं। एनडीए भी पूरी उतनी मजबूती से 400 नहीं ला रहा, और देश के जो मीडिया हाउसेस है, किस तरीके से अंबानी और अडानी जी पूरे देश में मीडिया हाउसेस पे कब्जा करके रखे हैं, ये सबको पता है। एक नैरेटिव और अधिकारियों में, प्रशासन में एक भय पैदा करना कि नहीं मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो एक दबाव का माहौल, जैसे हमारे पत्रकार साथी जी ने कहा कि पूरे देश में कहीं कोई मोदी जी की लहर नहीं थी, और जितना अच्छा स्ट्राइक रेट मोदी जी का 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी जी का जो स्ट्राइक रेट था, वो स्ट्राइक रेट इस बार रहने वाला नहीं है। आप देखिए एग्जिट पोल में तमिलनाडु में, आप केरला में मोदी जी को सीट दे रहे हैं, आप एक्सेस सीट है आप पश्चिम बंगाल में दे रहे हैं, और कर्नाटक में आप 28 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, जो संभव ही नहीं है। इसीलिए आप महाराष्ट्र का पोल उठा के देख लीजिए, वहां पर कोई 38 दे रहा है, कोई 36 दे रहा है, तो ये किसी भी सूरत हाल में कल संभव होने वाला है नहीं। और कांग्रेस की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और हम लोग भी पूरे जश्न में कल डूबेंगे, और जश्न की तैयारी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। गौरव जी, अमित जी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय गौरव जी ने कहा कि हमें कहीं मोदी लहर देखने को नहीं मिली, और मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं, नहीं उन्होंने सीधा इस तौर से मुझे ऐसा कहा, लगता जी, है जी गौरव जी, आपने शायद सीधे इस तौर से नहीं, आपने कहा कि जनता से उन्होंने सब नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मोदी लहर देखने को नहीं मिली, मैंने कोई लहर की बात नहीं, उन्होंने कहा जनता के जो मुलाकात उन्होंने की, हो सकता है कि जो एग्जिट पोल जिन्होंने किए हैं वो जनता अलग हो, गौरव जी जिनसे मिले हो उन मुद्दों से बात हो इस तरह। लेकिन गौरव जी सवाल ये है, लगातार इस बार जो देखने में आ रहा है कि कई बार हार के बाद जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी इसको कहती है, ईवीएम फैक्टर है या दूसरे फैक्टर है, लेकिन बाद में कई राज्यों में जो बीजेपी हमेशा उसका जवाब देती है कि कई राज्यों में जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां पर उस तरह के सवाल नहीं उठते, तो क्या हमें आज के इस आधुनिक युग में इस तरह की चीजों पर सवाल खड़े करना चाहिए या उसको किस नजर से देखना चाहिए? अमित जी देखिए, मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता जी, हर व्यक्ति करेक्ट नहीं होता, मशीनों में भी गड़बड़ियां हो सकती, गड़बड़ी स्वाभाविक भी होती है और अस्वाभाविक तरीके से भी होती, तो कई बार ये चीजें हमें विधानसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिली कि जिन बूथों पर प्रत्याशी रहता था उसी प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला, जीरो वोट आए, जिसको लेकर के वो लोग कोर्ट भी गए हुए, कई जगह पर हुआ, एक दो जगह पर नहीं कई जगह पर हुआ। हो सकता है कि मशीन में कोई टेक्निकल एरर आ गया हो सकता है मशीन में कोई जो सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है समय कोई किसी ने गड़बड़ी कर दी हो, मैं इसे सिरे से खारिज भी नहीं कर सकता हूँ, सिरे से स्वीकार भी नहीं कर सकता जी। और जब इस तरीके के तथ्य हमारे सामने आते हैं, जैसे बात हम करें कि मतदान होने के बाद प्रतिशत में जो हेर फेर हुआ, लंबा हेर फेर जो दिखाई दिया, आप और हम जानते हैं बेहतर तरीके से कि जहां भी मतदाता मतदान कंप्लीट होता है वहां पर एक दस्तावेज सभी प्रत्याशियों को दिया जाता है, उसमें अगर कोई अंतर आएगा तो हम ये मान सकते हैं कि वहां पर गड़बड़ी है, अगर वो एज इट इज आ रहा है तब हम ये मानेंगे कि नहीं वो बिल्कुल सही है। अब अगर कहीं ईवीएम की लाइट चली गई, कहीं पर मशीन में गड़बड़ी आ गई, तो उसे हाल के हाल दुरुस्त तो नहीं किया जा सकता जी, थोड़ी बहुत देर लगती है और उस देर में कई बार मतदान प्रतिशत भी प्रभावित होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तकनीकी है, उन्हें अगर वो कांग्रेस उसको आधार बना रही है तो ये उसका नजरिया है, उन गड़बड़ियों को दूर किया जाना चाहिए इसके पक्ष में, लेकिन ये सीधे तरीके से आरोप लगा देना कि ईवीएम में हेर फेर हो रही है पूर्ण रूप से, चलिए बिल्कुल सीधे सीधे आरोप लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने बताया किस तरीके से यदि टेक्नोलॉजी में कोई गड़बड़ होती है तो किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बीजेपी जश्न में है, कांग्रेस भी जश्न में है, लेकिन कल 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसके बाद तय होगा कि आखिर सरकार किसकी बननी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिग डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत।